हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप सीख लें तो आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे चंद दिनों में। और किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे, चाहे वो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर आप इंग्लिश में किसी से भी सवाल कर सकेंगे या तो किसी सवाल का इंग्लिश में जवाब दे सकेंगे। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। और मैंने अपनी तमाम पुरानी वीडियोस जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाएं और उसको भी देखें और अपनी इंग्लिश को और मजबूत करें। चलें, हमारे पास जुमले जो हैं वो ये हैं कि हाय। आप लोग देखते हैं कि जब भी किसी को मैसेज करना होता है या आपसे बात करनी होती है तो पहला मैसेज ही होता है हाय। उसके बाद अगर आपको किसी का हाल पूछना है तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, क्या हाल है। अगर वो बंदा ठीक है तो वो कहेगा आई एम फाइन थैंक, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। फिर वो आपके बारे में भी पूछेगा एंड यू, और आप कैसे हो। आप बोलोगे गुड, सो सो, अच्छा, कुछ ठीक। फिर आप उससे बोलोगे बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पूछने का तो कहोगे थैंक यू। अब आप किसी से, अपने किसी दोस्तों से कुछ पूछना है तो आप कहेंगे हाय फ्रेंड, दोस्तों सुनो। अब अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई मिस यू सो मच, मुझे आपकी कमी बेहद महसूस हुई। अगर आपको कोई नई चीज़ के बारे में पूछना है तो व्हाट्स अ न्यू, कोई नई खबर। अगर कुछ नहीं होगा तो आपके दोस्त बोलेंगे नथिंग मच। अगर आपको रात हो गई है, सोना है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे गुड नाइट, जो कि अक्सर लोग जानते हैं शब खैर। और फिर आप उससे कहेंगे सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, गुड बाय, खुदा हाफिज। अब अगर आप खो गए हैं, मतलब कोई चीज़ नहीं, आप कोई चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आप खुद खो गए हैं तो आप कहेंगे आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप बोलेंगे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर आपको कोई दवाखाना देखना है जहाँ से मेडिसिन मिल सकें या कोई मेडिकल स्टोर के बारे में पूछना है तो बोलेंगे वेयर इज़ द फार्मेसी, दवाखाना कहाँ है। अगर वो सामने है तो सामने वाला बंदा कहेगा गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, सीधे जाकर दाएं मुड़ें। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर जॉन, मैं जॉन को ढूंढ रहा हूं। अगर आपको किसी को सबर कराना है या वेट कराना है तो आप कहेंगे वन मोमेंट प्लीज, मतलब बराए मेहरबानी कुछ देर दीजिए। और अगर आपको वेट कराना है तो उसके लिए आप एक और जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं होल्ड ऑन प्लीज, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ के प्राइस पूछने हैं, जो कि अक्सर हमारे साथ होता है और हम लोग इंग्लिश में इसको नहीं जान पाते, तो इसके लिए हमारे पास है हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। फिर वो जितने का भी होगा दुकान वाला आपको उसका जवाब देगा। अब आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, वो फॉरेनर है और आपको पता नहीं कि वो इंग्लिश बोल सकता है या नहीं बोल सकता, तो आप उससे पूछेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। अगर वो इंग्लिश मैन नहीं है, मतलब अंग्रेज नहीं है, तो वो जवाब देगा जस्ट अ लिटिल, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी। व्हाट इज़ योर नेम, अब आप अगर किसी का नाम पूछते हैं तो आप कहोगे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वो आपको सामने से जवाब देगा जो भी उसका नाम होगा माई नेम इज़, फिर जो उसका नाम होगा वो आगे लगा देगा। अगर आपको उससे मिलकर अच्छा लगा तो आप कहेंगे उससे नाइस टू मीट यू। अगर आपको किसी की मेहरबानी पसंद आ गई, यानी आप पे किसी ने मेहरबानी करी, तो आप उसको कहोगे You are very kind, आप बेहद मेहरबान हैं। अगर आपको किसी से मैसेज आपने किया और उसके मुल्क का पता करना है कि भाई उसने मुझे कहाँ से मैसेज किया और आपको इस चीज़ का पूछना है तो, और आपको इंग्लिश में आप इसको कैसे पूछोगे Where are you from, आपका ताल्लुक कहाँ से है। अब अगर वो USA से होगा तो वो जवाब देगा I am from USA, मेरा ताल्लुक USA से है, अमेरिका से है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि I am American, मैं अमेरिकी हूँ। और अगर आप एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अगर आपको जब आपके घर में कोई मेहमान आया और आपको पूछना है कि भाई आपको यहाँ के कैसा लगा, तो आप पूछेंगे डू यू लाइक इट हेयर, क्या आपको यहाँ अच्छा लगा। अगर उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा तो वो जवाब देगा यस और नो, वैसे उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा। अब अगर आपको किसी के काम के बारे में पूछना है कि भाई आप क्या काम करते हो, तो पूछोगे आप व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप क्या काम करते हैं। अब अगर वो काम करता है एज अ इंजीनियर तो वो जवाब देगा आई वर्क एज अ इंजीनियर। अब अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छी लगती है, जैसे आपको इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है, तो आप कहोगे आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है।
अगर आप इंग्लिश एक महीने से सीख रहे हैं, चाहे वो नेट के थ्रू सीख रहे हों या किसी टीचर से सीख रहे हों, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर वन मंथ, मैं एक महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो सामने वाला ज़रूर आपको ये जवाब देगा, ओह डैट इज़ गुड, वाह बेहद अच्छे। अब आपको किसी की उम्र पूछनी है तो आप कुछ इस तरह से पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। अब अगर जैसे कोई सामने वाले की उम्र 30 साल है तो वो जवाब देगा आई एम 13 ईयर ओल्ड। अब अगर आपको जाना है, कहीं जाना है, तो अब आप कहेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। और आप उससे ये भी कह देंगे कि हाँ भाई मैं वापस आता हूँ जल्दी, तो आप उसे कहेंगे इंग्लिश में आई विल बी राइट बैक, मैं फ़ौरन वापस आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले हैं और आप इससे सीखेंगे और अपने रोज़मर्रा में इन्हें शामिल करेंगे और इंग्लिश को अच्छा कर लेंगे। अगली वीडियो भी मेरी सेंटेंस के मुताल्लिक होगी, तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि अगली वीडियोस भी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।